हेलो दोस्तों, मैं सोनू कुमार स्वागत करता हूँ आपका माइस्टर स्ट्रेटजन में। दोस्तों आज की क्लास में हम बताएंगे आपको कि यदि आपके पास कोई पार्ट है और उस पार्ट में आपको पेपर में ड्रिल करनी है तो वो कैसे करो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ जरा रुकिए, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि और भी कोई सॉलिड वर्क सीखना चाहता हो तो सीख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे हमें 10 का ड्रिल मारनी है इस फेस पे और एंगल जो होगी 45 की। कैसे लगाएंगे उसके लिए आपको क्या करना है, फ्रंट प्लेन या फिर राइट प्लेन को सिलेक्ट करना है। हमने क्या करना है, फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे। फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करके नॉर्मल टू करेंगे। नॉर्मल टू करने के बाद से उस पे एक सेंटर लाइन, सेंटर से नहीं इसके हम लास्ट एज से एक बना लेंगे और उसके बाद से एक और सेंटर लाइन हम ले लेते हैं और इसको हमने ये दे दिया। ठीक है, उसके बाद से हमने डिफाइन कर देनी है इसको, हमने जो भी डिफाइन करनी है। ये 45 एंगल चाहिए, हमें 45 दे दिया और डिस्टेंस जो है ये वाली डिस्टेंस हमें 20 चाहिए, 20 हमने दे दिया। ठीक है, और उसके बाद से हमने इजिट स्केच हो जानी है। इजिट स्केच होने के बाद से हम फीचर में जाएंगे। फीचर में जाने के बाद से रेफरेंस ज्योमेट्री और प्लेन यहाँ पे एक क्रिएट करेंगे। प्लेन क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से इसके एंड पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से वो अपनी प्लेन जनरेट हो जाएगी और इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से इस फेस में प्लेन पे हमें होल विजार्ड का यूज करेंगे, तो होल विजार्ड को सिलेक्ट करेंगे। होल विजार्ड को सिलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे ड्रिल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ड्रिल साइज सिलेक्ट कर लेंगे। हमें 10 का चाहिए, 10 का हमने ड्रिल सिलेक्ट किया और डेप्थ हमें कितना चाहिए उस ड्रिल का, 40 एमएम चाहिए, हमने 40 दिया। और उसके बाद से पोजीशन पे जाएंगे। पोजीशन पे जाने के बाद से इस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद से अपने इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और नॉर्मली ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से इस प्लेन को हाइड कर देंगे। हाइड करने के बाद से अब हम सेक्शन काट करके देखते हैं। सेक्शन हम जैसे ही काट रहे हैं वैसे हमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि देखिए ये जो है ये थोड़ी सी रह रही है, ये नहीं रह रही, तो ये प्रॉब्लम है। तो इसको सॉर्ट आउट कैसे करें, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से अब हम एडिट स्केच करेंगे। एडिट स्केच करने के बाद से इस डिस्टेंस को हम डिलीट कर देते हैं और ये जो कॉन्स्टेंट है इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। और डिलीट करने के बाद से इसको हम थोड़ी बाहर के साइड में खींच देते हैं। बाहर के साइड में खींचने के बाद से ये पॉइंट हम लेते हैं और पॉइंट जो है इस लाइन पे बना देते हैं एक, और इस पॉइंट को सिलेक्ट करके इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद से मेक कॉन्स्टेंट का रिलेशन लगा देते हैं। मेक कॉन्स्टेंट का रिलेशन लगाने के बाद से अब हम क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ से अब हम डिस्टेंस दे देंगे, 20 चाहिए तो 20 ये हमने दे दिया। और उसके बाद से नॉर्मली अगर इसको भी डिफाइन करना चाहते हो तो इसको भी हम डिफाइन कर सकते हो, अदरवाइज जितनी आपकी मर्जी वो बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, 5 बार हमने चलो डिफाइन कर दिया। अब हमारी ये 20 एमएम दे दिया। ठीक है, 45 डिग्री ये है और डायरेक्ट इजिट स्केच दे दिया। इजिट स्केच होने के बाद से अब हमने क्या करनी है, इसको हाइड करनी है और सेक्शन काट, सेक्शन काट करके देखेंगे तो हमें ये 45 डिग्री पे 10 का ड्रिल लग चुका है। इस तरीके से आप किसी पार्ट में यदि आपको टेपर ड्रिल करनी है तो कर सकते हो। तो आई होप कि आपको इस क्लास में बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी। तो आज की क्लास में इतना ही, और हाँ मैंने पहले ही बोला था अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और कॉमेंट में बताइए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरा ईमेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मेरे से ईमेल पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।